हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रिवीजन करेंगे। हमारी जो एग्ज़ाम्स हो रही है 22 सेकेंड से शुरू, तो पहले हम रिवीजन कर लेंगे। हेल्थ एंड हैप्पीनेस। हेल्थ एंड हैप्पीनेस में क्या क्या करना है? टीथ एंड गम्स को क्लीन रखने हैं, ठीक है। जो जर्म्स माउथ में रहते हैं वो बैक्टीरिया होते हैं और कैविटीज़ पैदा करते हैं हमारे मुंह में। इसके बाद है आईज, ईयर्स एंड नोज, कैसे क्लीन करना है वो है। फिर स्किन एंड स्कल्प क्लीन रखने के लिए हैंड्स एंड फीट, मसल्स एंड बोन्स एंड पोस्चर, कैसे स्ट्रेट रहना है वो। फिर साउंड स्लीप एंड हैप्पीनेस, इम्पोर्टेंस ऑफ हैप्पीनेस, ठीक है। देन हम करेंगे रिवीजन में ब्लैंक्स। बैक्टीरिया इन द माउथ प्रोड्यूस एंड, यहाँ पे जो हमने किया था उसकी जगह पे एसिड आएगा, ठीक है, एसिड विच इट्स अवे टीथ। होल्स इन द टीथ आर कॉल्ड कैविटीज। एक्शेल्स एंड टीथ आर मेड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट्स। यू शुड कीप योर बैक स्ट्रेट व्हाइल वॉकिंग। जर्म्स लिविंग ऑन द स्किन कैन कॉज रैशेस एंड बॉइल्स, ओके। देन ट्रू एंड फॉल्स, च्युइंग नेल्स कैन कॉज अ स्टमक अपसेट, दैट इज ट्रू सेंटेंस। जर्म्स हाइड अंडर लॉन्ग नेल्स, ट्रू स्टेटमेंट। द ब्रेन डज नॉट वॉक व्हेन वी स्लीप, फॉल्स। हैप्पीनेस इज अ पार्ट ऑफ गुड हेल्थ, ट्रू। स्वीट्स डू नॉट स्टिक टू द टीथ एंड गम्स, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, ओके। नेक्स्ट जो हमारा लेसन है, लेसन नंबर 5, पार्ट्स ऑफ अ प्लांट्स। तो रूट्स, टू टाइप्स ऑफ रूट्स, टैप रूट्स एंड फेब्रिस रूट। देन फंक्शंस ऑफ रूट, अदर फंक्शंस ऑफ द रूट, प्रॉप रूट्स इन बनियन ट्री एंड क्लाइंबिंग रूट इन मनी ट्री, मनी प्लांट, ठीक है। नेक्स्ट द स्टेम, फंक्शंस ऑफ स्टेम, देर इज 3 मेन फंक्शंस, अदर फंक्शंस ऑफ द स्टेम, ठीक है, स्टोर फूड और क्या है, आईज, रिप्रोड्यूस ऑफ फ्रॉम स्टेम। नेक्स्ट इज द लीफ, फंक्शंस ऑफ लीफ, मेन जॉब ऑफ लीफ, लीफ हैव क्लोरोफिल विच हेल्प टू कैच सनलाइट्स एंड मेक फूड। नेक्स्ट अदर जॉब्स ऑफ द लीफ, फ्लावर, द सीड एंड स्कैटरिंग ऑफ सीड्स, कैसे सीड्स एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, ठीक है। इसमें ब्लैंक्स रिवीजन करेंगे। द सब्सटेंस दैट हेल्प्स लीव्स ट्रैप सनलाइट इज कॉल्ड क्लोरोफिल। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फ्रॉम सुगर एंड ऑक्सीजन। लीव्स गिव ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट। द जॉब ऑफ द फ्लावर इज टू हेल्प द प्लांट रिप्रोड्यूस। सीडलिंग ग्रो व्हेन सीड्स गेट वाटर, एयर एंड वार्मथ। द प्रोसेस बाय विच प्लांट मेक फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट अ रूट दैट स्टोर फूड, अ स्टेम दैट मेक्स फूड, अ प्लांट विच क्लाइंबिंग with climbing roots, a plant that has fibrous root, a seed with 2 cotyledons, a seed that is scattered by water, root that store food, carrot, a stem that makes food, onion, a plant with climbing roots, money plant, a plant that has fibrous root, wheat, a seed with 2 cotyledons, peanuts, a seed that is scattered by water, lotus।
चूज द करेक्ट ऑप्शन. मोस्ट ट्रीज एंड शॉप्स हैव टेप रूट्स. द रूट्स ग्रोइंग आउट ऑफ द ब्रांचेस ऑफ बनियन ट्रीज आर प्रोप रूट्स. कैरिंग अवे ऑफ सोइल बाय विंड एंड वाटर इज कॉल्ड इरोशन. वी नो दैट पोटैटो इज अ स्टेम बिकॉज इट हैज बर्ड्स. गैसेस एंटर एंड लीव द लीफ थ्रू स्टमटा. कॉटन सीड्स आर स्कैटर्ड बाय विंड. ओके, नेक्स्ट इज नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स. तो इसमें है अल्गी, फंगी, देन मोसिस, फैंस, कॉनिफर्स. नेक्स्ट रिवीजन ऑफ एक्सरसाइज. नेम दिस अ टाइप ऑफ फंगस वी ईट. मशरूम. ट्रीज दैट आर एवरग्रीन. कॉनिफर. अ टाइप ऑफ फंगस दैट ग्रोज ऑन ब्रेड मोल्ड. प्लांट्स दैट कैन नॉट मेक देयर ओन फूड. फंगी. नेक्स्ट ट्रू और फॉल्स. मोसिस फॉर्म अ ग्रीन स्कम ओवर पॉन्ड्स. फॉल्स. सीवीड्स आर फैंस. फॉल्स. मोसिस प्रोटेक्ट द सोइल फ्रॉम इरोशन. ट्रू. फंगी डाइजेस्ट द स्टफ दे ग्रो ऑन. ट्रू. द ब्राउन स्पॉट्स अंडर फैन लीव्स हैव स्पोर्स. ट्रू. सम अल्गी रिप्रोड्यूस बाय ब्रेकिंग इनटू पार्ट्स. ट्रू. चूज द करेक्ट ऑप्शंस. मोसिस रिप्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ स्पोर्स. मशरूम्स आर फंगी. विच ऑफ दिस डू नॉट हैव क्लोरोफिल. फंगी. द ग्रीन स्कम फ्लोटिंग ओवर पॉन्ड्स इज फॉर्म्ड बाय अल्गी. Which of these have seeds? Conifers. Okay. Next is the animal kingdom. There is two group of animals, vertebrates and invertebrates. Okay. Aquatic animals. जो aquatic animals जो है वो पानी में रहने वाले हैं, तो larger invertebrates are एक्वाटिक एनिमल्स. ठीक है. नेक्स्ट जो है हमारा एक आप ये ग्राफ देख लीजिए. एनिमल्स इनवर्टिब्रेट्स. इनवर्टिब्रेट्स द ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स, स्पाइडर्स, क्रैब्स एंड देयर कजिन्स. द ग्रुप ऑफ स्नेल्स, स्लग्स एंड स्क्विड्स. वर्टिब्रेट्स में है फिश, एम्फीबियंस, रिप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स. ठीक है. तो चलिए इसकी एक्सरसाइज कर लेते हैं एक बार. The number of vertebrates is blank than the number of invertebrates, 100. The backbone of a vertebrates has nerves running through it. Fish have a smooth outline to help the cut through water. An animal that spent a part of its life is in water and the other part of on land is an amphibians. Insects and amphibians change form while growing. An insect's eye is made up of many small eyes. Animals that live in water are called aquatic animals. Most mammals are terrestrial. Birds have a special stomach for chewing called a gizzard. Reptiles breathe with the help of their lungs. Baby grasshoppers are called nymphs. When a baby insect rests inside a case, it is called a pupa. ठीक है. तो ये हमारा आज का रिवीजन है. आगे हम जो सिलेबस में मैच है वो मैच करेंगे. आज की डेट लिख के 29, 21 मंडे. ठीक है. जो सिलेबस में हमारा मैच है वो मैच हमारी बुक में नहीं है, तो यहाँ आपके पास है, तो आपको ये आपकी बुक में लिखना है. रूट. तो इसमें से क्या रूट है? तो रूट है कैरोट. कैरोट रूट है ना, जो फूड स्टोर करता है. क्लाइंबिंग रूट्स. क्लाइंबिंग रूट्स किसके है?
तो मनी प्लांट, क्लाइंबिंग रूट से मनी प्लांट जी। स्टेम, यहाँ पे स्टेम क्या है जो फूड स्टोर करता है, तो है अनियन। टाइनी पोर्स आर कॉल्ड, टाइनी पोर्स को क्या बोलते हैं, तो स्टमटा एच। प्रोप्रूट्स, प्रोप्रूट्स किसके होते हैं, प्रोप्रूट्स होते हैं बनियन ट्री के सी। टू कोटिलीडन्स, टू कोटिलीडन्स किसके होते हैं, तो टू कोटिलीडन्स होते हैं मनी प्लांट को ए। फाइब्रियस रूट, फाइब्रियस रूट किसके हैं, तो फाइब्रियस रूट आएंगे वीट का। और सीड्स स्केटर्ड बाय विंड, विंड से किसके सीड्स स्केटर्ड इधर उधर जाते हैं, तो कॉटन। ठीक है, तो ये आपको आपकी बुक में लिखना होगा, जिसका मैं फोटो भी आपको भेज रही हूँ। ठीक है, ओके। इसके बाद आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे ब्लैंक्स, ये रिवीजन है, फिल इन द ब्लैंक्स। सभी लेसन की आप ब्लैंक्स एक बार लिख लीजिए, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, सिर्फ आप ब्लैंक्स है ना, चैप्टर फोर एंड थ्री, फोर एंड सेवन लेसन की ब्लैंक्स लिख के मुझे फोटो भेजना। ठीक है, ये है आपका रिवीजन। ओके, तो आज आप ये वर्क करेंगे आपकी नोटबुक में। ठीक है।